कल हम लोग पीएनडीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पढ़े थे, तो आज हम पीएनडीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटर रहेगा कि एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, अगर एक क्वेश्चन लिख लोगे तो उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं। तो चलो स्टार्ट करो, उठा लो पेन और अपनी नोटबुक उठाइए और लिखना शुरू करिए। ए बी सी थ्री पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर हैं एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कैपिटल 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। कैपिटल 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ड्रॉइंग 50,000, 30,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए 2,500, बी 1,500 एंड सी 1,000। सैलरी ए 2,000 पर मंथ एंड बी 10,000 पर एनम। और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट लिख लीजिए 2,49,000। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार फास्ट ट्रैक में फिर मैं पढ़ दे रहा हूं। एबीसी थ्री पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, कैपिटल 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रेस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ड्राइंग 50,000, 30,000, 20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,500, 1,500 एंड 1,000, सैलरी ए 2,000 पर मंथ एंड बी 10,000 पर एनम, नेट प्रॉफिट 2,49,000। प्रिपेयर पीएनडीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाने को जब भी कहूंगा तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने को क्वेश्चन में कहे तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बना करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था आपका, गिवन था 2,49,000। तो आप नेट प्रॉफिट लिख लीजिए 2,49,000, जैसा फॉर्मेट था उसके हिसाब से आपने नेट प्रॉफिट लिखा। फिर आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़े अच्छे से दिया हुआ है, ए का, बी का और सी का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 2,500, 1,500 एंड 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लीजिए 2,500, 1,500 और 1,000। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आइए यहां क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप लिखेंगे तो क्वेश्चन में 10% था, 5 लाख का 10% कितना आएगा, 50,000। फिर 3 लाख का 10% 30,000 और ये 20,000। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की सैलरी कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, ए सैलरी दी हुई थी क्वेश्चन में 2,000 पर मंथ, यानी कि हो गया 24,000। बी की सैलरी कितनी दी हुई थी, बी की सैलरी दी थी 10,000 पर एनम, तो बी की सैलरी लिख लीजिए 10,000। ये दोनों लिख लिया। इसके बाद और कुछ दिया है, कोई जनरल रिजर्व या कमीशन नहीं दिया है, तो आप टोटल करिए। टोटल अगर आप करते हैं तो ये होता है आपका 2,54,000। 2,54,000 लिखिए, 2,54,000 में ये माइनस करिए, 2,54,000 ये माइनस करेंगे तो यहां पे आपका प्रॉफिट आ रहा है माइनस करने के बाद, यानी ये 254, ये टोटल है 134। तो चाहे तो 2,54,000 माइनस 1,34,000 करिए तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। तो आप प्रॉफिट लिख लीजिए 1,20,000। अब ये प्रॉफिट किसमें बटेगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल के रेशियो में बटेगा। अब 1,20,000 है और रेशियो में बटेगा, तो रेशियो क्या क्वेश्चन में दिया था, 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। आप इस 1,20,000 को 3/6 करिए,
टू बाई सिक्स करिए और वन बाई सिक्स करिए, तो प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, 60,000, 40,000 और 20,000, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी ए का प्रॉफिट आया 60,000, बी का आ गया 40,000 और सी का आ गया आपका 20,000। एक बार और देखते हैं, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,49,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए 2,500, बी 1,500, सी 1,000, हमने टोटल किया इसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आपने निकाला, ए का आया 50,000, बी का 30,000, सी का 20,000, ये लिख लीजिए। ए की सैलरी दी हुई थी 2,000 पर मंथ, तो 12 महीने कितना हुआ 24,000। बी की सैलरी पर एनम थी, इसलिए यहां लिख लिए हमने। ये टोटल किया, ये टोटल माइनस किया, मैं लिख भी दिया हूं ताकि बच्चों को तकलीफ नहीं हो, तो प्रॉफिट आ गया 1,20,000। ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए में, बी में और सी में, किस रेशियो में, जो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1, यानी 60,000, 40,000 और 20,000। अगर मान लो क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप अगर रेशियो नहीं दिया है तो प्रॉफिट आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 120 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 40,000, 40,000 और 40,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद अपन आते हैं कैपिटल अकाउंट पे, किस पे आओगे आप लोग, कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कौन सा बनाओगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दोनों सेम होता है। तो आप जब बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट ए बी सी पर्टिकुलर तो रहेगा ही, देन अगेन पर्टिकुलर ए बी और सी, यहां पे लिख लीजिए नाम पार्टनर का ए बी सी, ए बी सी। तो कैपिटल अकाउंट जब भी प्रिपेयर करने को कहे तो आप कौन सा बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनाएंगे आप, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया था 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख कैपिटल लिख लिया। फिर क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले थे हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ था आपने जो फाइंड आउट किया था 10%, पी एंड एल अकाउंट देखिए 50,000, 30,000 और 20,000। प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में कितना निकाले थे आपने, तो प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट आपका आया 60,000, देन 40,000 और देन 20,000। सैलरी कितनी आई थी, सैलरी आप देखिए तो ए की सैलरी आई थी 24,000 और बी की सैलरी थी 10,000। अब आप टोटल करिएगा इसका, इसका टोटल करिए, इधर में कौन आएगा, ड्राइंग, ड्राइंग कितनी दी हुई थी, तो ड्राइंग आप देख लीजिए, ड्राइंग क्वेश्चन में दी हुई थी आपकी 50,000, 30,000 और 20,000। फिर क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दी हुई थी आपकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई थी 2,500, देन 1,500 और देन 1,000। आगे आपका काम क्या होगा, पहले आप इसका टोटल करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो यहां पे आएगा बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका बन गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आप टोटल करेंगे उसमें ये माइनस करेंगे, जो आएगा वो बैलेंस आ जाएगा। तो ये कौन सा कैपिटल अकाउंट था आपका, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं तो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं टोटल। अब टोटल जो किए हमने, तो ए का जो टोटल किए तो 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000 आ गया 6,34,000। ऐसे ही हमने बी का टोटल किया, ऐसे ही हमने सी का टोटल किया। अब 6,34,000 टोटल है, उसमें 50,000 और 2,500 माइनस किए तो आ गया बैलेंस 5,81,500। सेकेंड 3,80,000 में ये माइनस किए तो आ गया 3,48,500। 2,40,000 में 21,000 माइनस किए तो आ गया 2,19,000। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। और अगर बोर्ड में
कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने को कहे तो भी फ्लक्चुएटिंग ही बनेगा। अगर फिक्स कहता है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में मैं पहले ही बताया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फिक्स कैपिटल लिखते हैं, यह है फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों पार्टनर हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी और सी, इधर हो गया ए बी और सी। तो कैपिटल का सबसे पहले बैलेंस लिखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, बस हो गया, बस हो गया और कुछ नहीं आएगा। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब टोटल करेंगे अगर 5 लाख का तो ये हो गया अपना 5 लाख, 3 और 2, यही बैलेंस इधर आ जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख, टोटल कर दीजिएगा 3 लाख एंड 2 लाख, हो गया। लेकिन अगर यहां एडिशनल कैपिटल गिवन होता तो लिखते, और कैपिटल विड्रॉन दिया होता तो इधर माइनस करते। अगर होता तो क्वेश्चन में नहीं था तो सिर्फ कैपिटल आएगा फिक्स कैपिटल में। बची हुई जितनी भी चीजें हैं वो करंट कैपिटल अकाउंट में आएगी। यानी कि कल फॉर्मेट में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था मैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहे तो साथ में आपको करंट कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब करंट कैपिटल अकाउंट में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस होता तो लिखते, होता तो लिखते करंट का बैलेंस, नहीं है तो बचा हुआ चीज लिख लीजिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, कितना दिया हुआ था 50,000, 30,000 और 20,000। प्रॉफिट लिखिए, कितना दिया हुआ था प्रॉफिट 60,000, 50,000 एंड 60,000, 40,000 है एंड 20,000, ये प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा सैलरी लिख लीजिए, सैलरी कितनी थी 24,000 और 10,000, टोटल करिए। सिमिलरली इधर आ जाइए, ड्राइंग लिखिए, ड्राइंग कितना दिया हुआ था 50,000, 30,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,500, 1,500 और 1,000। इसके बाद आपका काम है टोटल करना। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं कि इसका टोटल क्या आएगा। तो इसका आएगा 4,000, तो ये लिख लीजिए आप 1,34,000। इसका भी टोटल कर लीजिए, चलिए देखते हैं 40 और 30 70 80,000 आएगा। और इसका भी टोटल कर लीजिए 40,000 आएगा। आ जाइए यहां पे 1,34,000, देन 80,000 और देन 40,000। अब टोटल में से बैलेंस निकालिए कितना आएगा बैलेंस कैरिड आउट। 1,34,000 में 52,500 माइनस करिए तो आएगा आपका 81,500। 80,000 में 31,500 माइनस करिए तो आएगा आपका 48,500। अब 40,000 में 21,000 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 19,000। ये आ गया बैलेंस आपका कैरी डाउन। यानी कि हम कैपिटल अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। अगर फिक्स कहेगा तो फिक्स भी बनाएंगे और करेंट भी बनाएंगे। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बहुत परेशान नहीं होना मेरे दोस्त, जब कभी कंफ्यूजन लगे फिर से इस पूरे पार्ट को एक बार अच्छे से स्लो करके आप वॉच कर सकते हैं, एक बार दो बार देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है, वादा है। अब थोड़ा सा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग समझते हैं। तो फॉर्मेट जब आप लोगों ने देखा था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहां लिख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां लिख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये बिजनेस के लिए इनकम होता है क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस से आपने ड्राइंग किया है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है और बिजनेस को उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए इनकम होगा। लोकल शब्दों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो करंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन ड्राइंग करने का ना लोगों का आदत बड़ा अजीब अजीब सा होता है। कोई बोलेगा कि मेरे को हर महीने की पहली तारीख को पैसा चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को हर महीने की 15 तारीख को पैसा चाहिए। जितना दिमाग ना जितना मुंडी उतना सोचने का तरीका। अब 3-4 पार्टनर है, एक कहता है कि नहीं मुझे तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ चाहिए,
एक कहता है मुझे मिड डे चाहिए, एक बोलता है मुझे लास्ट डे चाहिए, एक और सरकी है जो ये कहता है कि मैं तो कभी भी निकालूंगा, कोई ऐसा होता बोलता नहीं यार मेरे को ज्यादा ये सब लफड़ा नहीं पालने का, एक साथ में निकालूंगा। तो ड्रॉइंग जो है उस पर एक रेट डिसाइड होगा कि इस रेट से इंटरेस्ट लगेगा, और वो रेट निकालने के बाद में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा वो पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं आपको बड़े अच्छे से मैं समझाता हूं। जितने भी टाइप्स हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के, यानी कि ड्रॉइंग करने के जितने भी टाइप्स होंगे उसको हम लोग समझते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम निकालना सीख रहे हैं, तो मान लो हम पहले केस लेते हैं, यहां एक बात और लेते हैं कि मान लो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, ऐसा मान ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं 15% दिया है। अब एक पार्टनर है वो विड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ये हर महीने की पहली तारीख को कितना निकालता है 10,000 हर महीने, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ या बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे को जरूरी नहीं है बिगनिंग ऑफ द मंथ भी बोल सकते हैं। तो अगर हर महीने की पहली तारीख को निकालता है या बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालता है तो 10,000 यानी साल भर में कितना निकाला 1,20,000, ये ड्रॉइंग हो गया। ड्रॉइंग कहां जाएगा, हम ड्रॉइंग की बात कर रहे हैं, है ना, ये बता दूं कि मैं ड्रॉइंग की बात कर रहा हूं। ये 1,20,000 कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, रेट क्या है 15% फर्स्ट ऑफ ईच मंथ यानी 6.5/12, तो कुछ आएगा, जो भी आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। तो क्या आएगा सर, यहां आप फाइंड आउट करिएगा, 9750 आएगा, 1,20,000 रेट था 15%, 10% होता तो 10 लिखते, एक आध एग्जाम्पल में 10 ले लूंगा, इंटू 6.5/12। अब इसका 6.5 कहां से आया सर, तो इसको बड़े अच्छे से समझा दे रहा हूं, वैसे जब बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है तो बड़ी आसानी से 6.5 उनके दिमाग में आ जाता है। जब पहली बार आप ड्रॉइंग किए होंगे तो कितने महीने बचे होंगे, 12 महीने, फर्स्ट डे निकालते हैं, मान लीजिए अगर ईयर एंडिंग मार्च है तो आप 1 अप्रैल को निकाले तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बचे 12, और लास्ट बार जब ड्राइंग किए होंगे यानी कि 1 अप्रैल को 31 मार्च, यहां कब ड्राइंग किए थे 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, तो लास्ट में जब आप करेंगे तो 1 मार्च को तो 1 मंथ बचेगा, तो 12 + 1/2 करेंगे तो 6.5। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड, यही है 10,000 पर मंथ मिड डे, मतलब उसको मिडिल ऑफ द मंथ लिख दूं ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने का डर रहेगा, मिडिल ऑफ द मंथ। अगर हर महीने की 15 तारीख को आप निकालते हैं तो ड्रॉइंग तो 1,20,000 की होगा, रेट वाई 15% होगा, इंटू 6/12 करिए, जो आएगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट के डेबिट। अब ये 6 कैसे आया सर, जब पहली बार आप निकाले होंगे तो हाफ मंथ छोड़ के निकाले होंगे यानी 11.5 मंथ बचा होगा, 15 तारीख को निकालते ना आप, और लास्ट वाला जो बचेगा वो आधा महीना बचेगा, ÷2 करिए तो क्या आएगा 6, मिड डे ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ। इसी को हम लोग एक और ले लेते हैं, 10,000 पर मंथ, ये एंड ऑफ द मंथ लिख दो, एंड ऑफ द मंथ या लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ द मंथ करोगे तो अमाउंट तो वही है 1,20,000, रेट वही 15%, 5.5/12 जो आएगा। अच्छा सेकंड वाले में क्या आएगा सर, घर में एक बार फाइंड आउट करके देख लेना ना क्या आ रहा है, 9,000 आएगा। थर्ड वाले में क्या आएगा, इसको भी निकाल दे रहा हूं, 8,250। अगर अमाउंट निकालेंगे ना गलत आएगा तो मैसेज मत करने लगना, है ना, आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं फास्ट ट्रैक में कर रहा हूं। तो ये जो आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ होने से जब आप पहली बार निकाले होंगे तो मंथ के लास्ट में निकालेंगे तो 11 मंथ बचेगा, और इसके बाद लास्ट बार जब निकालेंगे तो 0 मंथ बचेगा, ÷2 करिए तो 5.5/12।
अब एक बार और याद करा देता हूं, मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ मतलब बीच, 6/12, फर्स्ट डे मतलब 6.5, लास्ट मंथ था उससे थोड़ा सा कम 5.5। तो ये थ्री टाइप से आपने ड्राइंग निकालना सीखा पहले राउंड में, और भी बहुत से तरीके हैं, मैं पूरे तरीके बताऊंगा। मैं यहां रेट 15% था, 10,000 पर मंथ फर्स्ट डे, ये पूरा है, पूरे पार्ट को आप फिर से रिपीट करके सुनिएगा मेरी वीडियो को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, थोड़ा सा चेंज मिलेगा, थ्री टाइप्स का आपका हो गया। तो एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूं, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में 6.5/12 था, मिड डे ऑफ ईच मंथ में 6/12 था, लास्ट डे में 5.5/12 था। अब आते हैं हम लोग ये यू कहूं कि फोर्थ टाइप में आ रहे। अगर क्वेश्चन में कहे कि विड्रॉ 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर क्वेश्चन में कह रहा है 60,000, ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहां रेट 10% रख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी, चेंज थोड़ा लगेगा। क्वार्टर, साल में चार क्वार्टर होते हैं, 1 ईयर में 4 क्वार्टर, एक बम्पर में 4 पौआ, साल में 4 क्वार्टर, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 4 क्वार्टर। 60,000 × 4 करेंगे कितना आ गया आपका, 2,40,000, चार ही बार निकाल पाएंगे। रेट क्या था, 10/100 × 7.5/12, जो भी आएगा। सर ये 7.5 कैसे आया, जब पहले क्वार्टर में निकाले होंगे तो आपके 12 मंथ बचेंगे, 3-3 महीने का क्वार्टर होगा, 1 ईयर में 12 मंथ, 3-3 मंथ का एक एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो 12 × जब लास्ट बार निकालेंगे तो आएगा 3/2, यानी क्या आएगा आपका 7.5/12। सर इसमें अमाउंट क्या आ रहा है, सर इसमें आ जाएगा 15,000। अगर यहीं पे फिफ्थ वाला ये कहे कि 60,000 विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इफ ही विड्रॉ 60,000 इन द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 60,000 कर रहा है, तो 2,40,000 × 10/100 × 6/12। सर वो मिडिल ये 6 कैसे आया, जब पहला क्वार्टर होगा तो 1.5 मंथ निकल गए रहेंगे, तो बचेगा कितना, 10.5 प्लस लास्ट वाले क्वार्टर के मिडिल में निकालोगे तो 1.5/2, तो आएगा 6। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर आप करते हैं तो यहां अगर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा आपका 18,000। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर नहीं, 18,000 तो नहीं आएगा दोस्त, ये कहीं गड़बड़ है इसमें, देख लेते हैं हम लोग, कैंसिल करना पड़ेगा, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है भाई, 00 जाने दो, ठीक है भाई, 12,000 आएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर सम में कहे कि 60,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 60,000 इन एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर कहे तो ये 60,000 × 4 करोगे तो 2,40,000 × 10/100 × 4.5/12, यहां कितना आएगा सर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना आएगा सर, इसमें आएगा आपका 9,000। सर ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर का ये 4.5 कहां से लिखे आप, पहले क्वार्टर के एंड में करोगे तो 9 मंथ बचेगा, और लास्ट क्वार्टर के एंड में जाओगे तो 0 मंथ बचेगा, / 2 करिए आएगा आपका 4.5। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ जब था तो 6.5/12, मिड डे था तो 6/12, लास्ट डे था तो 5.5/12, और फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर था तो 7.5/12, मिड डे ऑफ ईच क्वार्टर था तो 6/12 यानी बीच वाला 6/12, और लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर था तो 4.5/12। अभी अब तक आप 6 टाइप की ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड, क्रेडिट साइड, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। 7th टाइप में आते हैं, 7th, सिर्फ अमाउंट दिया हो 50,000 रुपीज और रेट दिया हो
10%, कुछ नहीं करना, 50,000 इंटू 10/100, 1 ईयर का निकल जाएगा। सेवेंथ टाइप, 50,000 ड्रॉइंग का सिंगल अमाउंट दिया हो और रेट कहे 10% पर एनम, पर एनम अगर बोलेगा जब भी याद रखिएगा अमाउंट और पर एनम, तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 करिएगा, पर एनम जब कहेगा तब। सर ऐसा क्यों करते हैं 10% मतलब सीधा सीधा 10%, पर एनम मतलब मालूम नहीं कि कब निकाला है, जब मालूम नहीं कि कौन है तो बीच वाला है 6/12। एक और नाइन्थ हम लेते हैं, ऐसा कह सकता है कि 2000 पर मंथ, न फर्स्ट डे न मिड डे न लास्ट डे न फर्स्ट क्वार्टर न मिड क्वार्टर न लास्ट क्वार्टर, कुछ नहीं, सीधे 24,000 करिए 12 महीने का, रेट 10% था इंटू 6/12 करिए, आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सर यहां नहीं निकाले, चलो भी यहां भी निकाल देते हैं, अपनी तो बोलो इतने निकाले हैं 5000, यहां 2500 आ जाएगा, 6 1 जा 1 6 2 जा 0 कैंसिल हो गए 2500। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी अब तक कितने टाइप से सीख चुके हैं, 9 टाइप से सीख चुके हैं। 10th टाइप का जो ड्राइंग है, 10th नंबर का, कहीं लो ईयर एंडिंग 6 मंथली मान लेते हैं, ईयर एंडिंग 6 मंथली, मतलब सर ये क्या होता है, सर ईयर एंडिंग 6 मंथली का मतलब ये होगा कि ईयर जो होगा वो 6-6 महीने का होगा, यानी 6 मंथ का एक ईयर होगा, ईयर हम 1 ईयर की जगह ईयर को हम 6-6 मंथ का मानेंगे, यानी साल में 2 बार ईयर एंड होगा, एक बार 30 जून, एक बार 31 दिसंबर, या अगर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 6 मंथ गिनती कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एक बार लास्ट सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एक बार मार्च में, 6-6 महीने का ईयर एंडिंग 6 मंथली हो, और सब में कहे बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ अगर कहे, मान लो हम लेके चलते हैं 4000 कह रहा है, 4000, अच्छा सॉरी पहले तो लिख दिया जाए कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ यानी हर महीने के शुरू में, और 4000 का फिगर है, रेट सर रेट क्या रख ले इस बार, रेट चलो इस बार थोड़ा 5% रख लेते हैं अच्छा लगेगा आपको, तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ और बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में 4000, तो 4000 इंटू 6 करो कितना हो गया, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 4000 रुपीज था, तो 6 महीने में कितना हुआ 24000, रेट था 5% इंटू 3.5/12। सर ये 3.5 कैसे निकाले, पहली बार निकालोगे तो 6 महीने का ईयर है 6 मंथ बचेगा, लास्ट बार निकालोगे तो 1 मंथ बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी 3.5 एवरेजिंग। नेक्स्ट अगर कहता है मिडिल ऑफ ईच मंथ, मैं तो लोकल शब्दों में आपको बोलूं कि मिड डे ऑफ ईच मंथ भी चलाते हैं, लेकिन मिडिल ऑफ ईच मंथ फिर वही 24,000, अगर 4000 पर मंथ है तो रेट वही 5% इंटू 3/12 यानी कि 6 महीने का है इसलिए 6 का आधा हो गया 3/12। ये कैसे आया सर 3/12, अब 3/12 कैसे आया, जब पहली बार निकालेंगे आप मिड में तो आपका बचेगा 5.5 और लास्ट बार निकालेंगे तो आपका बचेगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2 करिए तो 3। अब अमाउंट सर अमाउंट भी बता देते तो अच्छा, एक बार कैलकुलेट कर लेना गड़बड़ होगा तो 350 पहले वाले में आ जाएगा 350 जब फाइंड आउट करेंगे आप, तो सेकेंड वाले को अगर देखेंगे तो सेकेंड वाले में आपका आ जाएगा 300। और अगर इसी में ये कहे कि लास्ट डे है ना, लास्ट डे या एंड ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे की जगह एंड ऑफ ईच मंथ भी लिख सकते हैं, एंड ऑफ ईच मंथ हर महीने के लास्ट में आप निकाल रहे हैं तो भाई 24,000, 4000 इंटू 6, रेट 5% था इंटू 2.5/12। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, ये ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। अब यहां 2.5 कैसे आया, थोड़ा सा तो अक्कल लगाना पड़ेगा ना, एंड ऑफ ईच मंथ तो 5 मंथ बचा और लास्ट में 0 डिवाइडेड बाई 2
तो आ जाएगा 2.5। ये टोटल अभी अब तक अगर हम लोग देखें तो 10th था, 11th था और ये 12th था। 12 तरीके से आपने ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीखा। एक तरीका और भी सीख लेते हैं दोस्त, तो टोटल अपना 13 टाइप हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आ जाइए, आ जाइए। रेट क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए अगर रेट दिया हुआ है 15%, ऐसा मान रहे हम लोग। अब इसको अंड बंड निकालेगा, जब मन करेगा तब निकाल लेगा। चलो एक बार 12th को रिपीट करेंगे, 12 टाइप को रिपीट करेंगे। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ जो था 6.5/12 आया था, मिड डे जो था वो 6/12 आया था, लास्ट डे जो था वो 5.5/12 आया था। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर जो था 7.5 आया था, मिड डे ऑफ ईच क्वार्टर जो था वो 6/12 आया था और लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 4.5/12 आया था। ईयर एंडिंग अगर जब 6 मंथली किए थे हम लोग, तो फर्स्ट डे होने से 3.5/12 और मिड डे होने से 3 और लास्ट डे होने से 2.5/12। टोटल अमाउंट दिया हो और अमाउंट के साथ रेट दिया हो तो सीधे एक साल का, अमाउंट दिया हो और रेट पर एनम दिया हो तो 6 मंथ का, और अगर 2000 पर मंथ दिया हो, ना फर्स्ट डे ना मिड डे ना बिगनिंग ना एंडिंग कुछ नहीं, तो पूरे 6 मंथ का। अब आते हैं लास्ट, इसका कोई सर पैर नहीं है। मान लो यहां ईयर एंडिंग हम मार्च मान रहे हैं, 31st मार्च ईयर एंडिंग कर लो, 31st मार्च 2021 मान लेते हैं हम लोग, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 1st मई को निकाल रहे हैं, 1st मई 2020 को निकाले, ये बड़ा मतलब इस टाइप का इंसान है, जब मन में आया तब निकालो। निकाला मान लो 2000 निकाल लिया, चलो 1st मई को, फिर कब निकाल लिया, 1st अगस्त को निकाला, 1st अगस्त को क्या निकाला, 5000 निकाला। चलिए फिर चलते हैं, 30th सितंबर को निकाला, 30 सितंबर 2020 को निकाला, कितना निकाला भैया, 2000 निकाल लिया। फिर कोई सर पैर नहीं, 31 जनवरी को निकाला, 2021 को 6000 निकाला। फिर क्या किया, 31 मार्च को निकाला, 2021 को कितना निकाल लिया, 2000 निकाला। ना अमाउंट फिक्स, ना डेट फिक्स, कभी भी कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चन को जब, ये ड्राइंग का अमाउंट है, ये टोटल कर लेंगे आप तो ये ड्राइंग आ जाएगा 17000, ये ड्राइंग का अमाउंट। अगर इसकी एंट्री करूंगा मैं तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे। वैसे मैं तो इसको कहता हूं अंड बंड मेथड यूज करते हैं, लेकिन ठीक है, लिखना है ना हमको, सीबीएसई का आंसर लिखना है अपने, किसी को समझाना तो है नहीं। आए बाएं निकालो, जब मन में आए तब निकालो, बगैर सिस्टम का निकालो तो प्रोडक्ट मेथड। वैसे आप चाहो तो मई से मार्च गिनती करके निकाल लो, इसका अलग, फिर इसका अगस्त से मार्च, फिर इसका अलग, तो आपका बहुत टाइम किल होगा। प्रोडक्ट मेथड में क्या करिए, मई से लेके 31 मार्च तक गिनती करिए, कितने महीने होते हैं, तो 11 महीने होंगे, इंटू 11 कर लीजिए, आता है मंथ, आता है ना, तो बाबूलाल चतुर्वेदी का कैलेंडर खरीद लेना। तो मई से लेकर के मार्च तक गिनती करो 11 मंथ, अगस्त से लेके मार्च की गिनती करो 8 मंथ आएगा, सितंबर से मार्च की गिनती करो 6 मंथ आएगा, और 31 जनवरी से मार्च की गिनती करो 2 मंथ आएगा, और यहां 0 मंथ आएगा, मार्च से मार्च का गिनती करेगा। अब मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आ जाएगा सबका, ये तो 0 सीधे, ये 22000 आता है ना टेबल वाल, इसे भूल गए हो, ये 40000, ये 12000 और ये 12000 और ये 0, तो भाई है टोटल कर लो सबका, सबका आप टोटल कर दी, 22, 40, 12, 12 और 0 का टोटल करेंगे तो आएगा आपका 86000, ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 86000 जो प्रोडक्ट है इनटू रेट, कितना परसेंट था, 15% था क्या, 15/100 इनटू, चूंकि सबको मंथली बदल चुके हैं तो 1/12, जो भी आएगा ये P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड जाएगा, 1075 आएगा, चेक कर लीजिएगा, 1075 जो भी आएगा ये P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट और कैपिटल के डेबिट। लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो सीधे ही अपने आप में ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, सीधे ये क्वेश्चन आते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मालूम भी होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने टाइप का होता है, 13 टाइप का। मैं कोशिश करूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मैक्सिमम बेसिक चीजें क्लियर करा दूं,
लेकिन डेप्थ पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि या तो आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आपको हमारे ऐप में जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।